वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में अब प्राची को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आने वाली है। उसके साथ साथ प्राची के सामने एक सबसे बड़ी सच्चाई आएगी कि आखिर में उसके परिवार वाले ही उसी के खिलाफ यहां पर सबसे बड़ी साजिश रच रहे थे, और उसके साथ साथ यहां पर प्राची की सबसे बड़ी कोशिश नाकामयाब होते हुई नजर आएगी। लेकिन ऐसा क्या हो गया, कैसे होगी नाकामयाब कोशिश प्राची की, उसके बारे में बताते हैं। और साथ ही साथ आने वाले एपिसोड में क्या खास होगा वो बताएंगे। और आप सबके लिए एक सबसे बैड न्यूज इस वीडियो के लास्ट में बोनस पॉइंट के तौर पर बताने वाले हैं। लेकिन उसको बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। बात करें आने वाले एपिसोड की, तो आने वाले एपिसोड में प्राची और सहाना ने जो यहां पर प्लान बनाया था, अपना भेष बदलकर वो जो जा रही थी, उन्हीं का यहां पर प्लान उल्टा पड़ने वाला है और उनकी यहां पर सारी कोशिशें नाकामयाब होते नजर आएंगी। और उनकी कोशिश यहां पर जो चल रही थी पूरी तरह से चाल नाकामयाब हो जाएगी और यहां पर उनका प्लान फ्लॉप हो जाएगा। और उसके साथ साथ अब यहां पर प्राची को घर से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी, जिसमें रिया और आलिया कामयाब होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहां पर एंट्री होने वाली है पुलिस की। और उसके साथ साथ यहां पर काफी बड़ा सपना देखते हुए नजर आने वाली है रिया। अब कहीं यहां पर प्राची की एग्जिट यहां पर रिया का सपना तो नहीं, वो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और उसके साथ साथ आप सबके लिए यहां पर हम दो शॉकिंग खबर लेकर आने वाले हैं कल के वीडियो में, तो उसको देखना मत भूलिएगा। उसके अंदर आपको बोनस पॉइंट के तौर पर दे देते हैं। लेकिन उसको बताने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर शूट फ्रॉम होम का सीक्वेंस शुरू हो चुका है कुमकुम भाग्य से जुड़ा हुआ, जिसकी झलक आप सब देख ही ले होंगे। यहां पर रिया से जुड़ी हुई बात करें, यहां पर प्रज्ञा से जुड़ी एक बात की, तो प्रज्ञा को आने में और भी ज्यादा डिले होगा। साथ ही साथ अभी से जुड़ी हुई यहां पर एक सबसे बड़ी न्यूज आपको देखने मिलेगी। तो कैसी लगी आपको खबर कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।